ओम शांति। दीदी बहुत कार्य करती थी और मैंने देखा कि दीदी मम्मा की तरह ही बाबा के मुरली की मस्तानी थी, या यूं कहें दीवानी थी। तो दीदी के अंदर दो विशेषता एक साथ दिखाई देती थी, बल्कि तीन विशेषता। यदि दीदी के अंदर वात्सल्य था, माँ का रूप था, तो दीदी शिक्षक का भी रूप थी, माँ के साथ टीचर का रूप झलकता था। और जब क्लास में दीदी जाती थी, बाबा के मावा के उच्चारण होते थे, तो स्टूडेंट का रूप दिखाई देता था, दीदी विद्यार्थी बन जाती थी। और एकाग्र बुद्धि हो करके बाबा जो मुरली चला रहे हैं बहुत ध्यान से सुनती थी, और डायरी में दीदी नोट करती थी, और नोट करने के बाद उसको रिवाइज करती थी, उसकी समरी बनाती थी, मुख्य मुख्य पॉइंट निकालती थी। तो कभी कभी दीदी कहती थी, सुनो देखो आज बाबा ने मुख्य मुख्य पॉइंट क्या सुनाया है, तो वो मुझे सुना देती थी। और मैंने देखा जब दीदी किसी को पत्र लिखती थी तो ऐसे साधारण ही लिखती थी, पहले तो याद प्यार नूरे रतन बाबा के करके लिखा, जो भी टाइटल लिखना है बाबा के बच्चों को। फिर दीदी समाचार की लेन देन से पहले बाबा की मुख्य चार पांच पॉइंट लिख करके पत्र में फिर और समाचार लिखती थी, और मुझे कहती थी देखो कभी पत्र लिखना हो तो पहले बाबा के मां वाक्य से शुरू करो कि आज बाबा ने क्या क्या बोला है, धारणा की पॉइंट क्या है इसके अंदर, तो वो लिख करके फिर पत्र में जो लिखना है वो लिखा जाएगा। तो दीदी इसी प्रकार से लिखती थी।